हेलो, मैं मधु। मैं एक ट्विन फ्लेम और एक ट्विन फ्लेम कोच। तो मैं आज आपके साथ एक टॉपिक शेयर करने वाला हूँ जो आप लोग शायद अभी सोच रहे हो, या तो फिर कहीं ना कहीं आप ये कर चुके हो, या तो फिर ये करने का आप सोच रहे हो। तो फिर आज चलो इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि और देखते हैं कि ये एग्जैक्टली टॉपिक आपको क्या बोलना चाहता है। जब आपके ट्विन फ्लेम आपके साथ रिलेशन में नहीं रहते हैं, या आपके साथ वो रोमांस और लव एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं आपसे दूर रहने की कोशिश करते हैं, आपके मैसेजेस को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो नेचुरल हो जाता है कि आप उस थॉट में आ जाओ कि क्या मैं मूव ऑन कर जाऊँ, क्या सच में ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, क्या ये फॉल्स ट्विन फ्लेम है। ये सारे टॉपिक आपके अंदर नेचुरल हो जाता है कि सच में मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए क्या, राइट? पहले तो अगर सच में रिलेशन ट्रू नहीं होता तो आपको ये टॉपिक, ये सोच ही नहीं आता कि मूव ऑन करूं कि नहीं। ये टॉपिक इसलिए आ रहा है कहीं ना कहीं आपके दिल का एक हिस्सा जो है वो इस रिलेशनशिप से जाना नहीं चाहता है, क्योंकि आपके दिल में इस रिलेशनशिप का जो डेप्थ है वो आपको पता है, इसकी वजह से आप इसको छोड़ना नहीं चाहते हो दिल से, राइट? लेकिन माइंड बोल रहा है कि चलो बहुत हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है, मूव ऑन करते हैं, आगे जाते हैं, कहीं और जाते हैं। लेकिन ये आपको कभी भी सॉल्व नहीं करेगा। आपका माइंड आपको गाइड कर सकता है शायद बेस्ड ऑन फियर, या फिर कहीं ना कहीं आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो कि आप इसको हील कर सकते हो, ये बिलीव नहीं कर पा रहे हो कि जो लव है आप दोनों के बीच में, जो सोल लेवल पे लव है वो रिस्टोर हो सकता है, जिसकी वजह से आप इसको गिव अप करना चाहते हो। रादर देन मूविंग ऑन, आपके जो इनसाइड सबकॉन्शियसली हो रहा है वो है गिविंग अप। आप जस्ट इसको गिव अप करना चाहते हो, आप इस रिलेशनशिप को शट डाउन होना चाहते हो, क्योंकि ये आप बेयर नहीं कर पा रहे हो जो ट्रिगर हो रहा है, जो अपसेट हो रहा है। लेकिन ये इस रिलेशनशिप से या इस सिचुएशन से आप अगर रन करते हो तो फिर इट्स नॉट गोइंग टू सर्व यू। ये आपको सर्व नहीं करेगा। माइंड को थोड़े मोमेंट के लिए लगेगा कि हाँ मैं ये करके देखता हूँ, कुछ और अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप ये हो सकता है कि ट्विन फ्लेम रिलेशन ना भी हो और आप इसकी वजह से मूव ऑन करना चाहते हो, लेकिन ये एक लेसन है इन इट्स सेल्फ, इट्स ए लेसन कि गॉड आपको ऐसे रिलेशनशिप में क्यों लाएंगे जिसको आपको कॉन्स्टेंटली मूव ऑन करने के लिए सोचना पड़े। गॉड नहीं चाहते हैं वो कि आपको कॉन्स्टेंटली ऐसे रिलेशनशिप देते रहे जिसमें आप मूव ऑन करने का ही सोचो। नहीं, कहीं ना कहीं कोई एक ब्लॉक है जो आपको डीपली लव और रोमांस को फील नहीं करने देता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप रियलिटी में इस रिलेशनशिप को ग्राउंड नहीं कर पाओगे, या यूनियन को ग्राउंड नहीं कर पाओगे, या तो फिर कहीं ना कहीं आप बिलीव कर रहे हो कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है और आप इसको नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से आप सोच रहे हो कि मूव ऑन कर जाना बहुत आसान है। लेकिन मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आप रियली मूव ऑन क्यों नहीं कर सकते हो, और कहीं ना कहीं आपने भी खुद अपने अंदर देखा होगा कि शायद आपने ये अटेम्प्ट भी किया होगा कि चलो मूव ऑन करते हैं, बहुत हो गया, कुछ नहीं होने वाला, और वो जो है राम और रोहित या चाहे जो भी है वो मुझे थोड़ा सा अटेंशन दे रहा है, तो हो सकता है कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है। ये नेचुरल है, ओके? ये नेचुरल है। जब आप आपके ट्विन फ्लेम से अपसेट हो और सेपरेशन में हो तो नेचुरली आपको लगता है कि नहीं, मैं कुछ ऐसा कर लूँ या कहीं और चला जाऊँ लव पाने के लिए, तो फिर मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाऊँगा या बाहर निकल जाऊँगी, राइट? इट डज़ नॉट मैटर, मैं किसी फेमिनाइन या मास्कुलाइन से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्लॉक से, बिकॉज इट इज़ जस्ट ए ब्लॉक। इसके थ्रू मास्कुलाइन भी जाते हैं, इसके थ्रू फेमिनाइन भी जाते हैं, राइट? मेरे यूनियन में मैं भी गया हूँ इस ब्लॉक के थ्रू, और मेरी फेमिनाइन भी गई है इस ब्लॉक के थ्रू। सो इट इज़, लेट्स टॉक अबाउट द ब्लॉक, इट्स नॉट अबाउट के फेमिनाइन को ही होना होता है या मास्कुलाइन को होना होता है, राइट? ऐसा नहीं है। तो मूव ऑन मतलब अंदर ऐसा एक फीलिंग रहता है कि इस रिलेशनशिप को पीसफुली या हार्मोनी में ग्राउंड नहीं किया जा सकता है, तो मैं मूव ऑन करूँगा या कहीं और रिलेशनशिप को सीक करूँगा तो फिर मुझे वहाँ पे अच्छा लगेगा,
ये मेनली एक प्राइमरी ड्राइव रहता है कि मुझे प्यार कहीं और मिलेगा। लेकिन सच ये है कि जो प्यार आप ढूंढ रहे हो आपके ट्विन फ्लेम में, और आपके ट्विन फ्लेम मिरर कर रहे हैं कि वो नहीं है, वो आपके साथ लव और रोमांस में, पार्टनरिंग में नहीं है, वो सिर्फ आपको ये दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके जो इनसाइड लव होता है या जो आपका गॉड के साथ कनेक्शन होता है वो अंदर नहीं है, राइट। कहीं ना कहीं आप खुद के अंदर खुद के साथ वो लव फील नहीं कर पा रहे हो और उसको आपके ट्विन फ्लेम आपको बाहर से मिरर कर रहे हैं। अगर आप कॉन्स्टेंटली ये करते रहोगे कि लव बाहर ढूंढना है, किसी के साथ ढूंढना है, किसी एक्टिविटी में ढूंढना है, या कुछ किसी तरह से नंब आउट होके ढूंढना है, तो ये साइकिल कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ये पैटर्न कभी भी ख़त्म नहीं होगा। आप चाहे बाहर कितना भी पार्टनर चेंज कर सकते हो विथ ए कन्फ्यूजन, राइट। लेकिन अगर आपको ये पूरा आपके कॉन्शियसनेस से अगर निकालना है, देन देर इज़ ओनली वन वे कि आप खुद से मूव ऑन नहीं हो सकते हो, क्योंकि देर इज़ नो लॉजिक, आप खुद से कैसे मूव ऑन होगे। सो इट इज़ बेटर कि आप अपने अंदर जाओ एंड ट्राई टू फाइंड आउट के लव कि आपको क्या रियली फील कराता है, लव क्या चीज़ है जो आपको रियली ऐसा लगता है कि आई एम लव्ड, कि हाँ यहाँ पे मैं लव्ड हूँ। और जितना आप उस पार्ट से खुद के साथ कनेक्ट होते हो जो आपका ट्रू सेल्फ है, जहाँ पे आप उस लव वाइब्रेशन को फील करते हो अपने अंदर और उसी लव वाइब्रेशन में ही एमिनेट होते हो या रेडिएट होते हो, उतना आपके ट्विन फ्लेम आपके करीब आते हैं। बिकॉज जैसे ही आप लव फील करते हो, वो भी अपने अंदर उस लव को महसूस कर पाते हैं। सो इट डज़ नॉट मैटर आप बाहर कितना कर रहे हो, या हो सकता है कि ऐसा भी मैंने देखा है कि आप पार्टनरशिप में बहुत कुछ किए हो बाहर एक्सटर्नली, कि आप आपके पार्टनर के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किए हो, या आप आपके पार्टनर को जितना अनकंडीशनल लव है वो दिए हो, लेकिन उधर से रेसिप्रोकेशन नहीं हो रहा है और उसकी वजह से भी आप मूव ऑन करना चाहते हो। लॉजिकली आपको लगेगा कि मैंने सब कुछ कर लिया है, इसके आगे और नहीं। तो उस सिचुएशन में भी मैं बोलूँगा कि लव योरसेल्फ, गो डीपर। आपने अभी तक वो जो लव वाइब्रेशन है आपके अंदर, उसको अभी तक टच नहीं किया है, क्योंकि जब तक वो आपके अंदर नहीं पा लेते हो, तब तक आप वो आपके ट्विन फ्लेम के साथ एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो। क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस है जिसको आप बाहर ढूंढ रहे हो, वो आपके अंदर है। पहले आप उसको खुद के साथ एक्सपीरियंस करते हो, देन आप उसको आपके ट्विन फ्लेम के साथ एक्सपीरियंस करते हो। तो हो सकता है कि देर कैन बी यू नो डीप ब्लॉक रिलेटेड टू वर्दीनेस, और डीप ब्लॉक टू द लव और रोमांस, और यू नो बीइंग इन योर सेल्फ आपको अच्छा नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि नहीं, मतलब मैं चाहे बाहर कितना भी कर लूँ, लेकिन आपको बाहर करने की या आपके ट्विन फ्लेम के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने लिए लव फील करना है, सेल्फ लव। ट्विन फ्लेम हारमोनियस यूनियन का एक ही फॉर्मूला है, वो है सेल्फ लव। जितना आप खुद को लव करते हो, जितना आप वो लव वाइब्रेशन को अपने अंदर फील करते हो, महसूस करते हो, राइट। ऐसा नहीं है कि आप बाहर जाके बहुत सारा एक्टिविटी कर रहे हो ताकि लव फील हो, नहीं। अंदर के ब्लॉक जितना आप हील करोगे, वो लव लव जो फीलिंग है वो अपने अंदर आपको महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको बाहर बहुत ज़्यादा चीज़ और आपके ट्विन फ्लेम के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गॉड चाहते हैं कि पहले आप वो लव को फील करो अपने अंदर उस लव, और वो कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि मुझे वो लव को फील करना है जहाँ पे मैं कभी भी मेरे अंदर वो डर या इनसिक्योरिटी ना रहे कि मैं लव को खो दूंगा, राइट। क्योंकि मैक्सिमम टाइम हमारे अंदर ये डर बैठा रहता है कि कहीं मैं अपने ट्विन फ्लेम को खो ना दूं, या तो फिर कहीं मैं इस लव को खो ना दूं, ये इतना प्रेशियस है। लेकिन आप कभी भी लव को खो नहीं सकते हो, क्योंकि जो आपका जो बीइंग है, या तो फिर जो आपका एसेंस है, जो आपका सोल है, वो लव में ही बनाया गया है। यू आर क्रिएटेड विथ लव, राइट। ऐसा बोलते हैं कि आप लव से बने हो। तो जब आप लव से बने हो, तो उस लव से आप सेपरेट हो सकते हो, लेकिन वो आपसे अंदर से कभी चला नहीं जाएगा, राइट। तो इससे अच्छा है कि मूव ऑन या सेपरेशन चूज़ करने से अच्छा है चूज़ टू लव योर सेल्फ। आपको आपके ट्विन फ्लेम के ऊपर फोकस ना करके, मे बी अभी टाइम ये है कि आप खुद के अंदर फोकस करो और वो लव को अपने अंदर ढूंढो। क्योंकि एक बार आपको वो लव वाइब्रेशन या आपको क्या लव फील कराता है, अगर आपको वो पता चल जाता है,
और आप पता चल जाता है कि किस तरह से लव में रहना है, तो फिर कभी भी आपको ये थॉट नहीं आएगा मन में कि मूव ऑन होना है, या इवन ये अपसेट नहीं आएगा कि लव फील नहीं हो रहा है आपको आपके ट्विन फ्लेम के साथ, क्योंकि जो लव की फीलिंग आप आपके ट्विन फ्लेम के साथ ढूंढ रहे हो वो फीलिंग पहले आपके अंदर आपको ढूंढना है। तो इनर जर्नी, ये एक इनर जर्नी है, कहीं ना कहीं जो लव आपके अंदर है और आप उसको महसूस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि कुछ ब्लॉक्स है, राइट? तो पहले वो ब्लॉक्स रिलीज़ करिए, और मूव ऑन करना है तो ब्लॉक से मूव ऑन करना है, ना कि खुद से मूव ऑन करना है या ट्विन फ्लेम से मूव ऑन करना है। तो जितना आप आपके ब्लॉक्स से मूव ऑन करते हो, जितना लव के तरफ जाते हो, उतना आपके ट्विन फ्लेम आपके तरफ मैग्नेटाइज होते हैं, आपके करीब आते हैं। क्योंकि जब आप लव वाइब्रेशन में या अनकंडीशनल लव वाइब्रेशन में वाइब्रेट करते हो, या आपका वाइब्रेशन जो रहता है वो लव एनर्जी में रहता है, तो वहीं पे आप सब कुछ मैग्नेटाइज करते हो, तब आप देख पाओगे कि आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में भी मिरेकल्स होना स्टार्ट होता है। मैंने तो एक्सपीरियंस किया है, मेरे साथ भी और मेरे साथ जो लोग हील होते हैं उनके लिए, उनके लाइफ में भी, राइट? इट्स ओनली लव जो आपके वो सब कुछ एक्सपीरियंस कराएगा। जो चीज़ आप ढूंढ रहे हो वो आपके अंदर ही है, और आपको सिर्फ खुद को लव करना है, एंड इट इज़ ईजी। थैंक यू, एंड आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि मैं अपना मैसेज सब लोगों तक पहुंचा सकूँ और आप लोगों के साथ जुड़ के रह सकूँ। अगर आप आपके कॉन्शियसनेस में आप किस तरह से मूव ऑन सिचुएशन को देखते हो, आप कमेंट्स में शेयर करिए, बिकॉज यू नो वी ऑल्सो वॉन्ट टू नो, कि हम भी जानना चाहते हैं कि ये कौन सी ब्लॉक है जो आपको ऐसे मूव ऑन होने के लिए ट्रिगर कर रहा है। आपको मूव ऑन नहीं करना है, आपको लव में जाना है, लव के तरफ जाना है। ओके, थैंक यू।